दोस्तों, आज हम बात करेंगे 11 अगस्त की बड़ी टक्कर की, SRK वर्सेस नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर अक्षय कुमार। इम्तियाज अली बना रहे हैं SRK और अनुष्का शर्मा को लेकर। पहले फिल्म का नाम था रिंग, फिर नाम हुआ रहनुमा, और फिर नाम हुआ रौला। अभी भी कंफर्म्ड नहीं है भाई क्या नाम है फिल्म का। जिस तरह की टर्बन्स और कपड़े डलवा रहे हैं, पंजाब में शूटिंग कर रहे हैं, तो इट विल हैव अ पंजाबी फ्लेवर, जस्ट लाइक जब वी मेट, या उससे पहले एक आई थी इनकी अभय देओल के साथ, सोचा ना था। इम्तियाज अली बिगैन इस जर्नी विद सोचा ना था, आयशा टाकी और अभय देओल को लेकर। वो फिल्म एवरेज गई थी, इतनी चली नहीं थी। धर्मेंद्र की विजेता फिल्म्स के अंडर बनाया गया था उसे। देन ही मेड अ फिल्म ऑन सिमिलर स्टोरी, एग्जैक्टली सेम स्टोरी, जब वी मेट, जो शाहिद और करीना के उस टाइम हुए ब्रेक ऑफ की वजह से जो ब्रेकअप हुआ था, ब्लॉकबस्टर चली गई थी। समाओ इनकी हर फिल्म में वो फ्लेवर होता है, और कमर्शियली अगर गिना जाए तो इसके अलावा आई डोंट थिंक सो इनकी भी कमर्शियली कोई इतनी बड़ी सक्सेस गई है। हाईवे वॉज गुड, तमाशा वॉज गुड, बट नॉट दैट कमर्शियली सक्सेसफुल, मोर क्रिटिकली अक्लेम। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दिस रिंग, रहनुमा, रौला, जो भी नाम है। दूसरी तरफ है अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा विथ, आई थिंक लड़की का नाम भूमि है, जो वो पिटे हुए आयुष्मान के साथ यशराज के बैनर में कोई 80 किलो का वज़न लेकर आई थी, वॉश आउट गई थी वो फिल्म। अब इसमें पता नहीं वज़न कम कर लिया है, बढ़ा लिया है, जो भी है, चलो। व्हाट इज़ इन फेवर ऑफ अक्षय कुमार इज़ द हिज चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट्स। उनकी आखिरी 4-5 फिल्में देखा जाए तो रुस्तम, एयरलिफ्ट, उनके लिए तो नेशनल अवार्ड मिला, इससे बड़ी क्या अचीवमेंट होगी। 100 करोड़ से ऊपर दोनों गई थी। फिर अभी आई इनकी जॉली LLB 2, अनदर 125 करोड़ से ऊपर की कलेक्शन, सुपर हिट मूवी। दूसरी तरफ SRK, हैप्पी न्यू ईयर, फैन, अभी कौन सी आई थी, ये रईस, एक आधी बीच में और आई थी आई थिंक काजोल के साथ, दिलवाले, 4 वेरी प्रिटी बैड फिल्म्स। मार्केट इस वक्त इज अगेंस्ट SRK और मार्केट इज एक्सेप्टिंग खिलाड़ी कुमार। लुक, टॉयलेट एक प्रेम कथा वुड बी अ स्मॉल बजट मूवी, इज अ स्मॉल बजट मूवी, ज़्यादा खर्चा ये वैसे भी नहीं करते, खुद ही खुद है बस। कॉन्ट्ररी, उस पर अच्छा खर्चा होगा। आई थिंक उनके 4 या 5 गाने जो हैं, 20 करोड़ का बजट तो उसी में लग गया है। उसके अलावा पब्लिसिटी के ड्रामे जो ये करेंगे, तो इट विल बी 80 करोड़ प्लस मूवी, मे बी इट विल टच 100 करोड़। मतलब कि 150 करोड़ से ऊपर तो वैसे ही करना पड़ेगा, और अगर इनको अपना नाम और इज्जत वापस चाहिए तो ही नीड्स अ 200 करोड़ प्लस मूवी, जो क्लैश में तो चलो इम्पॉसिबल है, बट ही विल हैव टू क्रॉस 150 करोड़ मार्क दिस टाइम SRK ऑन 11th August, इफ ही वॉन्ट्स टू स्टैम्प हिज अथॉरिटी वंस अगेन। जस्ट नाउ इन द बिगनिंग ऑफ दिस ईयर ऑल्सो, जब वो ऋतिक और इसकी मूवी का क्लैश हुआ, बोथ द मूवीज डिड मोर देन 120 करोड़, बट इट वॉज गुड फॉर द ऋतिक रोशन मूवी, बट प्रिटी बैड फॉर द SRK मूवी। यही चीज़ दोबारा ना रिपीट हो जाए, लेट्स सी, बिकॉज इफ टॉयलेट एक प्रेम कथा क्रॉसेस 100 करोड़, इट विल बी अ सुपर हिट। आपको बैनर देखना है, आपको खर्चा देखना है, आपको बजट देखना है। कुछ स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित है टॉयलेट एक प्रेम कथा। आप कह सकते हैं BJP की थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट कह सकते हैं,
पर अब नेशनल अवार्ड इन चीजों को मिलाने के बाद बैठ जाना भाई, व्हाट वी आर टॉकिंग राइट नाउ इज अबाउट द क्लैश, द फेमस SRK अक्षय कुमार क्लैश, अकी के SRK. लेट द फर्स्ट ट्रेलर कम ऑफ बोथ द मूवीज, आई विल बी एबल टू गाइड यू प्रिटी वेल. अभी तो मैं इतना कह सकता हूँ कि SRK की जो मूवी है दैट्स अ लव स्टोरी, अ सिंपल लव स्टोरी इन पंजाब, एंड टॉयलेट एक प्रेम कथा इज ऑल्सो अ लव स्टोरी, बट द बेसिक आइडिया ऑफ दैट मूवी स्वच्छ भारत अभियान, छोटे तबके के लोगों को टॉयलेट की अहमियत बताना, लोटा लेके खुले में बैठना बंद कीजिए, नोबल नोबल थॉट, बट थॉट से कुछ नहीं होता, मूवी में दम होना चाहिए, स्क्रिप्ट में दम होना चाहिए. लेट्स वेट एंड सी. तब तक आप बताइए, हुम आर यू फेवरिंग, हु विल विन दिस क्लैश, SRK, अकी, फैन क्लब? फैन क्लब तो दोनों के हैं, अकियंस, SRKians या आम ऑडियंस, बताइए. अक्षय कुमार, शाहरुख खान, 11 अगस्त, उससे पहले मैं इनका ट्रेलर रिव्यू लेकर आऊँगा, उसमें आपको और बेहतर तरीके से फिर से ही कहानी दोहरा के बताऊँगा. तब तक अपने होस्ट और दोस्त अमित दत्ता को दुआओं में याद रखिए.